तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं बेड वॉर। और यहाँ पे भाई गेम स्टार्ट होने से पहले मुझे लकी ड्रॉ में एक बहुत तगड़ी चीज़ डायमंड पिकैक्स मिल चुकी है कुछ लकी ड्रॉ के अंदर। और यहाँ पे अगर हम लोग इस डायमंड शॉट को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो भाई हम लोग स्टार्टिंग में ही सारे बंदों की बेड पहले ही निकाल सकते हैं। मैं मतलब सारे टीम जो अपने अपोनेंट्स हैं उन सबकी जो बेड है उन सबको पहले ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो भाई इसको यूज़ करना हम लोग को थोड़ा अच्छे से पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे भाई गोल्ड कलेक्ट करते ही मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ और इस ब्लॉक्स को लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्लास पैनल्स हैं, इन सबको यहाँ पे लगा देता हूँ जिसका मुझे कोई भी काम नहीं है। और अब थोड़े बहुत गोल्ड्स और कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे देखो यार, गेम स्टार्ट हुआ नहीं, ये बंदे आ गए अपना बेड निकालने। पहले ही इसकी बैंड बजाते हैं पहले। अच्छा हुआ अपने टीममेट ने भाई पूरा बेड को पहले ही कवर कर लिया है, जिससे भाई अपना बेड बच गया। तो वो भाई स्टार्टिंग में ही हम लोग का बेड निकाल लेता तो दिक्कत हो जाती। और यहाँ पे भाई एक गया तो दूसरा आ गया और भाई इसने हम लोग का बेड डिस्ट्रॉय कर दिया है पहले ही। और भाई ये तो नहीं बचने वाला, ये तो गया। ओके भाई, अब तो दिक्कत होने वाली है क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ही अपना जो बेड है वो हो चुका है डिस्ट्रॉय। और एक और येलो टीम का भी जो बेड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब बचा है ग्रीन और रेड टीम का बेड। और अभी हम लोगों को उन साल दोनों टीमों के बेड निकालनी होगी अगर हम लोगों को ये मैच जीतना है। तो भाई थोड़े बहुत गोल्ड जो भी हैं हम लोगों के पास उसको यूज़ करते हैं। और थोड़े बहुत आइटम्स और वेपन हम लोग यहाँ पर परचेस करते हैं। और मैंने यहाँ पर अभी बो परचेस कर लिया और एरो भाई इसमें इन्फिनिटी रहता है। तो अभी उस बंदे को मैंने भगा दिया यार, अगर वो अभी यहाँ पर आता तो हम लोग बैंड बज सकती थी। और भाई वो देखो मैंने अभी भगाया, वो फिर आ रहा है। आने दो भाई, इसको यहीं से मारूंगा मैं। ओके दोनों को अच्छे से मैंने अच्छे से बोल बजा रहा हूँ। भाई ये तो गया, भाई ये गया नहीं यार, मैं दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले ऊपर भागूँ फुल स्पीड में। ओके मैं थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ से हम लोग बो मार सकते हैं, पर बो मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लगेगा तो है नहीं भाई किसी को। तो एक काम करते हैं, पहले जंप करते हैं इस साइड में। और यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत अपना हेल्थ जो है वो हो चुकी है कम। टू गोल्डन एप्पल खा के अपनी जो हेल्थ है उसको इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद मैं चलता हूँ आगे के साइड में। और सामने जो येलो वाली टीम है वो हो चुकी है वेप्स आउट। मेरा मतलब वेप्स आउट से मतलब है कि भाई उसका बैट भी डिस्ट्रॉय हो गया है और उसके टीम के सारे बंदे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग चाहें भाई ये कहाँ से आ गया हेलो भाई। वन मिनट में शॉट का है। मैं अभी यहीं पर बचते बस मरते बचाऊँ। और यहाँ पे भाई वो गिर चुका है नीचे के साइड में। और अभी एक मैं एक काम करता हूँ भाई, ये सब मुझे लग रहा है बहुत गंदी तरह कि मुझे देख लिए हैं सब। और अभी मेरा बचना तो मुश्किल हो सकता है भाई। ये वन मिनट ये गया, ये मरेगा अभी ये मेरे हाथों भाई। यहाँ पे ये इसको तो मैंने यहाँ पे मार दिया है, बट अभी हम लोग पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो मैं चलता हूँ आगे की साइड में क्योंकि भाई अभी बस ग्रीन टीम जो है ग्रीन टीम का ही बेड बचा हुआ है। और अगर हम लोग को जीतना है तो सबसे पहले अपना टारगेट ये होना चाहिए कि भाई जो ग्रीन टीम का बेड है वो डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अगर जब ग्रीन टीम का जो बेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद भाई उन सबके बंदे को मार के हम लोग जीत सकते हैं। बट यहाँ पर भाई ये जो बंदा है ये मेरे पीछे पड़ गया है। मैं अभी फुल स्पीड में एक टावर बनाते हुए ऊपर जा रहा हूँ भाई। ओके मैं ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ जिसकी वजह से मैं मैप के बाहर आ चुका हूँ। और मैप के बाहर आने की वजह से हम लोगों को डैमेज पड़ेगी। और भाई यहाँ पे अगर मैं आउट हो गया, मेरी हेल्थ आप लोग देख ही रहे हो तो भाई मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कम है। और एक बंदा जो ऊपर के साइड में, और मैंने सही टाइम पर एक ब्लॉक लगा के मैं नीचे जाने से बच गया हूँ। और उस बंदे से बचने के लिए हम लोग फुल स्पीड में आगे की साइड में ब्रिज बना रहे हैं। और ब्रिज बनाते हुए अभी मैं आ गया हूँ रेड वाले टीम के एरिया में, और रेड के भाई ये भी ब्रिज बना रहा है। वन मिनट कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंडर पर फेंकता हूँ और मैं सही टाइम पर टेलीपोर्ट हो गया। उसको आने दो मैं बताता हूँ। उसको आने से पहले मैं उसको यहीं से गिरा दूंगा। ओके भाई उसको बो पड़ा बहुत गंदी तरह, वो नीचे गिरते ऊपर आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वहाँ पर उसने लगा दिया रेस्क्यू प्लेटफॉर्म। और रेस्क्यू प्लेटफॉर्म से वो बच तो गया है, बट अब उसकी फाइट जो हो चुकी है वो हो चुके रेड वाले बंदों से। और रेड वाले बंदे को उसने कुछ सेकंड में ही मार दिया भाई। भाई वो मेरा क्या हाल करेगा, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं अभी हम लोग चलते हैं सीधे
ग्रीन टीम के बैट पे हमला करना है, क्योंकि अब बस यही चाह रहा है, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो हम लोगों का हारना पक्का है। तो अभी मैं ब्रिज बनाते हुए, ब्लॉक लगाते हुए आ चुका हूँ, और जंप वाला पोर्शन मैंने पी लिया है, साथ ही साथ स्पीड वाला पोर्शन पीता हूँ, और उसके बाद सीधे जंप करते हैं और नीचे लगा देंगे प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म लगा कर मैं बच चुका हूँ और बचाएंगे बैट। तो हम अपने पास है डायमंड पिकैक्स, और यहाँ पे मेरे पास होनी चाहिए ओके फायर बॉल, फायर बम भी है जिसको मैं लगा सकता हूँ, और यहाँ पे लगा के ये रहा उन सब का बैड, और बैड मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया एकदम सही टाइम पे। और भाई मेरे ऊपर भी आग लग चुका है, बट ये आग से हम लोग आराम से बच जाएंगे, बट उन सारे बंदों से नहीं बचने वाले। और मैं जंप करते हुए फुल स्पीड में मैं अपने एरिया में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आती मैं पहले सबसे पहले थोड़ी बहुत गोल्ड लेता हूँ, जिससे हम लोग अपने आप को और अपने वेपन और आर्मर को अपग्रेड कर सकेंगे। और यहाँ पे भाई मैंने थोड़ा बहुत अपने वेपन को अपग्रेड कर लिया है, अब आने दो उसको। अब एक एक करके सारे बंदों को मारते हैं, क्योंकि मैच में ग्रीन टीम के सारे बंदे और अकेला मैं बचाऊँ। पहले इसकी बैट बजाते हैं भाई, इसके स्वॉर्ड बजाने से पहले मैं यहीं से इसके बो बजाता हूँ, और इसने मुझे नीचे गिरा दिया है, बट मेरे पास रेस्क्यू प्लेटफॉर्म भी है जिसको मैं लगा सकता हूँ, और लगा के ओके ये भी जंप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके पहले ऊपर जाऊंगा, क्योंकि रेस्क्यू प्लेटफॉर्म का भी है कि वो कुछ सेकंड के अंदर नीचे से डिस्पॉन हो जाएगा। और अब भाई वो बंदे को मैंने बहुत तगड़ी तरह आउट कर दिया है, अब क्या है कि अब होने वाला है 1v1, क्योंकि ग्रीन टीम का एक बंदा बचा है और ब्लू टीम का एक बंदा जो मैं हूँ। अब होगा भाई 1v1, और मुझे देखना है कि भाई वो बंदा है कहाँ। तो मुझे लगा है कि वो बंदा उसी साइड में होगा, अपने घर के साइड में, मैं मतलब अपने एरिया में होने वाला है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत गोल्ड लेता हूँ, और इस गोल्ड से अपने आर्मर और अपने वेपन को अपग्रेड करते हैं। अब बचा है भाई एक बंदा जिसको मार के मैं ये मैच जीत सकता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा भाई वो है कहाँ, पहली बात तो मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ पे है। और भाई अगर उसके पास डायमंड का डायमंड के आइटम हुए तो भाई मेरा जितना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं क्या सोचता हूँ कि थोड़े बहुत एम्ब्रल्स कलेक्ट करके मैं अपने आइटम को भी डायमंड का कर लूँ। मैं वेपन और आर्मर से है कि मैं अपने वेपन और आर्मर को भी डायमंड का कर लूँ। और यहाँ पर मैंने अपने बो और स्वॉर्ड को डायमंड तक कर दिया है। भाई बो जो होती है वो डायमंड की नहीं होती है, वो मैक्स लेवल तक होती है, तो उसको हम लोग एमरल्ड से 5 एमरल्ड देके उसको हाई लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। और जो अपनी स्वॉर्ड है उसको हम लोग कर सकते हैं। भाई वो रहा बंदा जो भाई यहाँ बैठा है, मुझे क्यों लग रहा है ये ऑफलाइन हो रखा है। ओके भाई इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, अपने आइटम को डायमंड का कर रहा था, वो पहले से ऑफलाइन था। भाई क्या ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इस पूरे मैच को जीत चुका हूँ। और भाई स्टार्टिंग में अपना बैट डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब यहाँ पे हम लोग ये जो मैच है वो जीत गए हैं। तो ओके गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग।